नमस्कार, स्वागत है आपका डी फोकस में। मैं हूँ प्रियंका। अभी हम जितेंद्र हॉल में मौजूद है और मैं आपको बताऊँ, हम सूर्यवंशम है जो भोजपुरी फिल्म है उसका आज प्रीमियर है और कल ये रिलीज होने वाला है। सभी जो कार्य किया है जिन्होंने इस फिल्म में, वो अभी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले जो है अभिनेता है वो हमारे साथ मौजूद है, इनसे कुछ बातें करते हैं। कैसा रहा एक्सपीरियंस पूरे फिल्म का? बहुत अच्छा रहा। लाइफ का मेरा ये सबसे बड़ा एक्सपीरियंस रहा है जो आज तक कभी मिल नहीं पाया। काफ़ी दिन प्रयास में हम कंटिन्यू करते रहे, लेकिन इस फिल्म से मुझे बहुत बड़ा एक सीखने का मौका मिला टेक्निकली। एंड लास्ट रिलीजिंग का प्रोसेस क्या तरीका होता है वो सीखने का मौका मिला। डायलॉग डिलीवरी क्या होता है वो सीखने में मुझे मौका मिला। और सबसे बड़ी बात है, हमारे जो मारा पारी के जो डॉक्टर साहब हमारे पांडे जी हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस फिल्म के लिए। और हमारे इसमें जो एज ए को प्रोड्यूसर साहब हमारे हैं सिद्दीकी साहब, इसमें एज ए विलेन का रोल में डेब्यू किए हैं, पहली बार भोज इंडस्ट्री में, बहुत बड़ी बात है। और फिल्म बहुत धमाल होने वाली पूरे बिहार में। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, झारखंड से भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, यूपी से भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। आपने कहा आपने डायलॉग डिलीवरी सीखी है, तो एक डायलॉग बोल के दिखाए हमारे दर्शक। जरूर जरूर जरूर। इस फिल्म में एक डायलॉग से बहुत अच्छा टाइटल डायलॉग से, इम्तिहान अब हमें देना ही होगा, बांध कर कफन हमें निकलना ही होगा, दिखा दे कि हम उन दुश्मनों को कितना है दम, हम है सूर्यवंशम। बिल्कुल, हम है सूर्यवंशम। हमारे साथ एक महिला भी मौजूद है, इन्होंने क्या किया है पूरे फिल्म में, मैं पहले आपसे जानना चाहूँगी। इस फिल्म में मैंने लगभग सारे सॉन्ग लिखे हैं और इस फिल्म से मेरी करियर की शुरुआत हुई। और आपने अभी बहुत सारा गाना सुना होगा, चांद सुनर वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग अभी इस पिक्चर का बना हुआ है, वो हम ही लिखे। और ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू पांडे सर, उन्होंने ही सारा चीज़ करा, तो बहुत मज़ा आया। और इस पिक्चर में हम काम भी किए हैं। हाँ, और जो जुर्म का वो जो स्टोरी है ना, वो हम ही लोग के बेस पे है। हाँ, गाना लिखती हैं कि किस तरह से गाना को फ्रेम करती हैं और इतने दिनों से लिख रही हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? लगभग 2 साल यही सूर्यवंशम से शुरू किए थे। एक्सपीरियंस अच्छा रहा। इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट हुआ सजनी आई लव यू, उसको उसमें सॉन्ग लिखे, पिक्चर लिखे। नेक्स्ट प्रोजेक्ट अभी और है हम लोग का सूर्यवंशम में, तो लिखे ही है लोहांचल है, उसको भी लिखना है, उसका सॉन्ग लिखना है। और अभी हम लोग एक और पिक्चर लिखे जय ज्वाला, उसका भी अभी सॉन्ग लिख रहे हैं, पिक्चर लिखे, स्क्रिप्ट वगैरह सारा हम ही किए। तो अभी करियर 2 साल पहले शुरू हुआ, अभी यहाँ तक पहुँचा है। हमारे साथ सिद्दीकी जी भी मौजूद है। वेल, पहले तो किसी मूवी से जुड़ा हुआ नहीं था, ये फर्स्ट टाइम एक अपॉर्चुनिटी मिला। हमारे देखिए माननीय पांडे जी डायरेक्टर साहब हैं, अब देखिए ऐसी जो है हमारी जो टैलेंटेड पर्सन जो है जो गाना को लिखी हैं अनामिका सिंह, और सूर्यवंशम जो है आपको झारखंड की धरती पर एक मैसेज देने की कोशिश किया कि आपको झारखंड में इतने टैलेंट है, आप एक अच्छी मूवी भोजपुरी मूवी बिना फुहार का बना सकते हैं। और हमने ये मैसेज दिया गया कि अगरचे कोई जुल्म करता हो, तो जैसे हमारे राजेश जी हैं, आए राजेश जी मुखिया का रोल किए हमारे राजेश सिंह जी, ठीक है, बहुत बड़े कलाकार हैं, थिएटर के हैं। हमारे स्वेत साहब हैं, पांडे जी का निर्देशन बना, राम कुमार जी हैं और ये प्रोड्यूसर साहब हैं। तो हमने एक लॉबी बनाने की कोशिश की और ये दिखाने की कोशिश की झारखंड में आपकी इतनी टैलेंट है, ऐसी बच्चियां जो है, इतना प्यारा गाना लिखी है जो उदित नारायण साहब ने गाया है, आप समझ सकती हैं, आपकी धरती पर, झारखंड की धरती, बोकारो की धरती पर एक बच्ची इतना प्यारा गाना लिखती है जिनको उदित नारायण खुद से गाकर दिखाते हैं, आप समझ सकती हैं। दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड अचीवमेंट फॉर बोकारो सिटी एंड वी आर सपोज टू गेट प्रॉपर सपोर्ट फ्रॉम द एंटायर सिटी, फ्रॉम द एंटायर झारखंड, तो उसको अप्रिशिएट मिलना चाहिए। अब आगे मशकूर सिद्दीकी, हाँ भैया विलन का तो रोल किए हैं आप, बहुत अच्छा किए हैं और हम डायलॉग भी दिए हैं, नहे रघो उसकी मौत ने दरवाजा खटखटाया है, क्यों हमने दिखाया है जुल्म के खिलाफ आप खड़े हो जाओ। हमने इस मूवी के जरिए से मैसेज देने का कोशिश किया है कि जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाओ, एक सूर्यवंशम हर गली से पैदा होगा। हांचल आपको बोकारो की तस्वीर दिखाएगा, दिशा और दशा जो है वहां पे आपको दिखाएगा लोहांचल, जिस तरह से आपको गैंग ऑफ वासेपुर बनी है उससे अच्छी मूवी बनेगी जिसका नाम होगा लोहांचल, और बोकारो की सरजमी पे बनेगी पूरे इलाके में।
और वहाँ पे दिखाया जाए कि बोकारो की तस्वीर, और वहाँ पर जो आपका जो एशिया का टॉप मोस्ट प्लांट है जिसको आप सेल के स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के तहत बोकारो स्टील प्लांट चलता है, क्या अराजकता, क्या अच्छा क्या बुरा, तो नेक्स्ट मूवी हमारी होगी लोहांचल। जी बिल्कुल, कई और फिल्में जो हैं आने वाली है, लेकिन अभी हम सूर्यवंशम है कल आज प्रीमियर है और कल रिलीज होने वाला है। जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो आकर हम सूर्यवंशम है जितेंद्र हॉल में देख सकते हैं। कैमरामैन भोला के साथ मैं प्रियंका, डी फोकस।